हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं नेहा और आप देख रहे हैं एनजी व्लॉग्स। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं भिंडी की सब्जी, जो मैंने थोड़े अलग स्टाइल में बनाई है। तो आप भी बनाइए और बना के बताइए मुझे कि कैसे बनी। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखें और मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें दोस्तों। तो आप तैयार हैं भिंडी की सब्जी बनाने के लिए? तैयार हैं तो फटाफट रेडी हो जाओ और आ जाओ। तो दोस्तों, मैंने ये भिंडी धो ली थी और अब हम इसको काट लेंगे। तो दोस्तों, हमको इसको लंबा लंबा काटना है, आगे पीछे से पहले काट के और इसको लंबा लंबा काट लेंगे। और बिल्कुल सूखी हुई होनी चाहिए भिंडी। तो दोस्तों, मैंने इसको लंबा लंबा चॉप कर लिया है भिंडियों को, और मैंने प्याज भी लंबी लंबी चॉप करी है, और मिर्च भी और टमाटर भी। सारी सब्जियां हम इसमें लंबा ही लंबा चॉप करेंगे। और इसको अच्छे से चॉप करके मैंने रख लिया है। और अब दोस्तों, कढ़ाई मेरी गर्म हो चुकी है, तो इसमें हम ऑयल डालेंगे, सरसों का तेल डालेंगे। दोस्तों, भिंडी सरसों के तेल में ज़्यादा टेस्टी लगती है, तो आप सरसों के तेल में ही इसको बनाएं। तो दोस्तों, सरसों का तेल डालने के बाद इसको अच्छे से गर्म कर लेंगे। कच्चापन सरसों के तेल का बिल्कुल ख़त्म हो जाना चाहिए। तो मैंने इसमें तकरीबन आधी कटोरी सरसों का तेल लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग ले लें जितना आप खाते हो। कम खाते हो तो कम ले लें, ज़्यादा खाते हो तो ज़्यादा। तो दोस्तों, तेल हमारा बहुत तेज़ गर्म हो गया है, तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ जीरा। जीरा मैंने इसमें आधा चम्मच डाला है। और अब इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर अजवाइन। अजवाइन दोस्तों बहुत ज़रूरी है इसमें। अजवाइन का टेस्ट एक तो बहुत अच्छा आता है इसके अंदर, और अगर इसमें कोई बादी होती है जैसे, तो वो भी ख़त्म हो जाती है। तो ये मैंने डाल दिया इसमें अजवाइन। और अब अजवाइन के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हींग। तो दोस्तों, हींग मैंने लिया है तकरीबन चौथाई चम्मच। तो चौथाई चम्मच की मैंने हींग डाल दिया इसमें। और अब इसमें हम डालेंगे प्याज, और प्याज डाल के हम अच्छे से इसको ब्राउन होने तक भूनेंगे। तो दोस्तों, मैं प्याज डाल रही हूँ इसमें। ये मैंने प्याज डाल दी है और अच्छे से इसको भूनेंगे। मिर्च भी डाल दी दोस्तों, मिर्च और प्याज दोनों अच्छे से भून लेंगे। तो दोस्तों, मैंने टमाटर में धनिया, हल्दी, अमचूर पाउडर, मिर्च और नमक डाल लिया है। और ये मैंने आधा आधा चम्मच मसाला लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग डाल लें, अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा डाल लें, और कम खाते हैं तो कम डालें। तो दोस्तों, ये प्याज मेरी अब भुननी शुरू हो गई है, और काफ़ी हद तक ये भुन गई है आधी। तो इसमें मैं ये लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ। ये मैंने दोस्तों घर में ही लहसुन और अदरक छील के कूट लिया था। कूटने से इसका जो फ्लेवर होता है वो एकदम फ्रेश और इन्हेंस हो जाता है, तो ये ज़रूर करें। तो दोस्तों, अब ये मसाला हमारा भुन चुका है अच्छे से। अब इसमें टमाटर और अदरक मसाले हम डाल देंगे। तो प्याज, लहसुन और अदरक के बाद अब ये मसाले और टमाटर इसमें अच्छे से भूनेंगे, और थोड़ा सा पानी डाल देंगे दोस्तों, ताकि ये अच्छे से भुन जाए। तो दोस्तों, मैं अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। मसालों वाली ही प्लेट थी मेरी, तो इसमें मैंने थोड़ा पानी डाल दिया है। और अच्छे से टमाटर गलने तक अब इसको ढक के पका लेंगे, और ताकि तेल ऊपर आ जाए, ऑयल ऊपर आते ही फिर इसमें हम भिंडी ट्रांसफ़र करेंगे। तो दोस्तों, अब ये मसाला मेरा भुन चुका है और ऑयल ऊपर आ चुका है, जैसे आप देख रहे हैं। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे हमारी भिंडी, और भिंडी डाल के दोस्तों अच्छे से मिला देंगे, ताकि जितने भी भिंडी उसमें मसाला अच्छे से लग जाए। सारी भिंडी डाल देंगे इसके अंदर दोस्तों। तो दोस्तों, भिंडी हमारी पक रही है, इतने हम रायता बना लेते हैं। रायता मैं अलग तरीके का बना रही हूँ। मैंने चॉपर में प्याज डाल दी है, प्याज के साथ मैं डाल रही हूँ इसमें दही। ये बहुत इजी और टेस्टी रहता है दोस्तों, तो भिंडी के साथ बहुत अच्छा लगता है, ट्राई करें आप ज़रूर। और अब दोस्तों, इसमें डाल रही हूँ मैं लाल मिर्च पाउडर, चौथाई चम्मच के करीब डाला है।
और मैंने ये दोस्तों पुदीने का और कड़ी पत्ते का पाउडर है मेरे पास, तो ये डाला है ये मैंने आधी चम्मच के करीब। और अब इसमें दोस्तों डाल रही हूँ मैं काला नमक आधी चम्मच, और अब आधी चम्मच से थोड़ा सा कम इसमें डाल लूँगी दोस्तों मैं नॉर्मल नमक, चौथाई चम्मच के करीब ही यही शायद। और अब दोस्तों इन सबको ब्लेंड कर देंगे इसमें डाल के। ये दोस्तों मैंने डाला है मसाला, ये मसाला दोस्तों मैंने बनाया है थोड़ी सी अजवाइन, जीरा, हींग और सौंफ को अच्छे से तवे पे भून के और मैंने पीस के और डब्बी में भर लिया दोस्तों। तो ये रायते में आपका बहुत अच्छा काम आता है, ये भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे बनाते हैं। और इसमें मैंने चाट मसाला और लाल मिर्च और खटाई अमचूर पाउडर ये भी मिला रखा है दोस्तों। तो मैं आपको बता दूंगी इसकी भी रेसिपी कैसे बनानी है इसको भी। अभी फ़िलहाल हम ये रायता बनाते हैं, बाकी ये मसाला हर रायते के साथ जाता है तो बहुत टेस्टी लगता है दोस्तों। तो अब इसको क्या करेंगे हम चॉप कर लेंगे और अच्छे से दही भी फट जाएगी और चॉप भी हो जाएगा हमारा प्याज। तो दोस्तों अब इसको खोल के देख लेते हैं हम कि क्या हाल है इसका। तो दोस्तों ये बन चुका है और बहुत ही अच्छा लग रहा है, प्याज भी इसमें चॉप हो गई है, दही भी फिट गया है। तो हमें थोड़ा मुझे थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है ये, तो मैं थोड़ा सा इसमें डालूंगी पानी, मैंने एकदम चिल्ड पानी ले लिया है दोस्तों, तो एकदम चिल्ड और ठंडा पानी है ये मैं डाल रही हूँ। और उसके बाद ये ब्लेड मैं निकाल देती हूँ, तो ये ब्लेड मैंने निकाल दिया दोस्तों और अब इसको किसी अलग बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। तो दोस्तों बन चुका है ये रायता। ये रायता दोस्तों हर सब्जी के साथ, भिंडी के साथ, चावल के साथ जाता है, तो और मैं ज़्यादातर बनाती हूँ ये, तो आप भी ट्राई कीजिए। तो दोस्तों भिंडी अपने चेक कर लेते हैं, ऑलमोस्ट सब बन चुकी है। अब ये अब दोस्तों इसको खुला पकाएंगे तकरीबन 3 मिनट तक, इसको ढकेंगे नहीं वरना इसका कालापन आ जाएगा और ग्रीन ग्रीन जो भिंडी का कलर होता है वो उड़ जाएगा। मैं 3 मिनट तक अब इसको ऐसे ही छोड़ रही हूँ खुला और पकने देंगे दोस्तों। आप ज़रूर ट्राई कीजिए दोस्तों, ये बहुत टेस्टी लगती है दोस्तों, तो ज़रूर ट्राई कीजिए। और ये बन चुके हैं दोस्तों, मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Like a Hellcat.